तो भाई आज हमारे पास अवेलेबल हो गया है वैगन आर का VXI मॉडल एंड ये वैगन आर का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार के प्राइस के बारे में, कार के लुक्स के बारे में, कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कार के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेता हूँ इस कार के प्राइस के बारे में। तो ये कार आपको पूरे 6 लाख रुपीज एक्स शोरूम प्राइस पर ही आपको मिल जाएगी एंड 6,90,000 से लेकर 7 लाख रुपीज ऑन रोड प्राइस पर आपको ये पड़ जाएगी। इस कार के अंदर में CNG एंड AGS वाले मॉडल्स भी अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो ये कार हमें 1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाती है। अगर आप इसका 1.2 लीटर वाला इंजन लेना चाहते हैं तो आप अपर मॉडल ले सकते हैं। इस कार में हमें 1 लीटर का K10C सीरीज वाला पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि पावर जनरेट करता है 66 BHP की एंड 89 Nm का टॉर्क जनरेट करने में इस कार का इंजन सक्षम है। और सबसे बढ़िया बात है इस कार का माइलेज जो कि है 24 KMPL के आसपास एंड हाईवेज पर ये आपको 25 तक का माइलेज निकाल कर दे देती है इजिली। ये कार हमें 5-speed गियरबॉक्स मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक के ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल देखने को मिल जाती है। बाकी सामने जो आप मॉडल देख रहे हैं ये ऑटोमेटिक वाला वेरियंट ही रहने वाला है जो की AGS के साथ आता है। बाकी ये कार चलाने में काफी ज्यादा स्मूथ है, राइड क्वालिटी काफी अच्छी है इस कार की। अगर ये कार भी हमें स्विफ्ट वाले इंजन यानी कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल देखने को मिल जाए तो मजे ही आ जाएंगे इस कार में, क्योंकि वो सिर्फ अपर मॉडल में देखने को मिलते हैं, बट मिल जाते हैं वही बहुत बड़ी बात है। एंड ये कार साइज में काफी अच्छी खासी है जिसकी वजह से अंदर अच्छा खासा स्पेस भी मिल जाता है। इस कार के अंदर हमें व्हील बेस मिल जाता है 2435 mm का। बाकी गाइस अभी मेनली बात कर लेता हूँ कार के ओवरऑल लुक्स के बारे में, एक्सटीरियर डिजाइन के बारे में। तो फ्रंट लुक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको हैलोजन में हेडलैम्प मिल जाते हैं, कम्प्लीटली हैलोजन का सेटअप रहने वाला है। हैलोजन में ही आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। बीच की साइड आपको मिलती है ब्लैक कलर की विथ क्रोम गार्निशिंग के साथ फ्रंट ग्रिल एंड यहाँ पर क्रोम गार्निशिंग का कम से कम ही यूज किया गया है। एंड इधर की साइड आएंगे तो नीचे की साइड आपको फॉग लैंप की हाउसिंग मिल जाती है, यहाँ पर कोई भी फॉग लैंप यहाँ पर नहीं मिलते हैं। रेडिएटर ग्रिल मिल जाती है, एयर डैम्स काफी अच्छे खासे पड़े दिए गए हैं, स्किड प्लेट यहाँ पर ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। बाकी ओवरऑल फ्रंट लुक तो कार के कुछ इस टाइप के हैं। ऊपर की साइड आपको मिलता है सिंपल वाला ही एंटीना एंड वाइपर भी यहाँ पर आपको सिंपल वाले ही मिलते हैं, वाइपर वॉशर। एंड बात कर लेते हैं अभी साइड लुक के बारे में ओवरऑल। तो साइड से देखने में कार काफी बढ़िया है एंड बड़े साइज की रहने वाली, जैसे कि मैंने आपको व्हील बेस बताया कार का अच्छा खासा मिल जाता है। एंड मेनली बात कर लेते हैं कार के टायर साइज के बारे में, तो जो कि मिलते हैं आपको R14 inches के स्टील रिम मिलते हैं, व्हील कैप आपको इसके साथ देखने को मिल जाता है एंड कोई भी क्लैडिंग्स वगैरह यहाँ पर यूज नहीं की गई है। एंड बाकी यहाँ पर मड फ्लैप मिल जाते हैं जो कि आप एक्सेसरीज एंड वैसे भी लगवा सकते हैं। इंडिकेटर मिल जाते हैं फेंडर पर ही। यहाँ पर ORVM जो है कम्प्लीटली बॉडी कलर में रहने वाला है, व्हाइट कलर का ही। एंड डोर हैंडल्स भी यहाँ पर जो सिंपल वाले ही मिलते हैं, ऑल्टो वाले जो कि बॉडी कलर में ही रहने वाले हैं। पिलर्स भी यहाँ पर बॉडी कलर में रहने वाले हैं, सी पिलर में ब्लैक आउट देखने को मिलता है। ऊपर की साइड कोई भी रूफ रेल्स वगैरह नहीं है। बैक प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे तो रियर से देखने में कार कुछ इस टाइप की लगने वाली है। पीछे का डिजाइन इसका काफी टाइम से सेम ही आ रहा है। बात करते हैं अभी कार के रियर लाइट के बारे में, तो यहाँ पर भी आपको हैलोजन का सेटअप मिलता है, ब्रेकिंग लाइट्स हैलोजन में, इंडिकेटर्स एंड पार्किंग लाइट भी हमें हैलोजन में ही देखने को मिलती है, कंप्लीटली हैलोजन का सेटअप। बाकी बीच की साइड वैगन आर की बेल्जिंग मिल जाती है जो कि क्रोम के ऊपर लिखी हुई है एंड यहाँ पर कोई वाइपर वॉशर डिफॉगर यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। एंड जो दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं यहाँ पर एंड रिफ्लेक्टर्स वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं जो कि नॉन फंक्शनिंग में है एंड इसका यहाँ पे मड फ्लैप भी मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे कोई ऊपर की साइड कोई भी स्पॉइलर वगैरह नहीं है, बस हाई माउंट स्टॉप लैंप कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रेयर लुक कुछ इस टाइप का ही रहने वाला है, काफी सालों से चलता आ रहा है यही लुक, आइकॉनिक वैगन आर का रेयर लुक कुछ इस टाइप का ही रहता है। और मेनली अभी बात कर लेते हैं कार के इंटीरियर के बारे में। तो अंदर आते ही सबसे पहले तो आपको हार्ड प्लास्टिक मटेरियल देखने को मिलते हैं हर जगह, यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है। डोर हैंडल्स पर ही हैंडल्स वगैरह प्रॉपर दिए हैं, ऑल 4 पावर विंडो मिल जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड लॉक अनलॉक के फंक्शन भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर एंड मैगजीन होल्डर वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं एंड कोई भी हाइट एडजस्टेबल एडजस्टमेंट के साथ सीट नहीं मिलती है एंड बस रिक्लाइनर के साथ ही मिलती है। एंड सीट्स यहाँ पर जो है फैब्रिक अपॉस्ट्रोफी के साथ मिलती हैं। अभी अंदर बैठ के बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप के बटन मिल जाता है। सीट्स इसकी फैब्रिक में है, काफ़ी कंफर्टेबल जो है फील होती हैं। बाकी चाबी कुछ टाइप की है इस कार की, अंदर लगाएंगे इसके एंड आपको कोई भी कीलेस एंट्री नहीं मिलती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में बात करूँ तो कुछ टाइप का आपको फुल्ली एनालॉग में ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है एंड कोई भी टैकोमीटर वगैरह नहीं है, बस स्पीडोमीटर मिल जाता है इवन 80 के टॉप स्पीड के साथ। नीचे की साइड जो MID देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स की प्लेसिंग देखने को मिल जाती है एंड सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन शो हो जाती है। बाकी ट्रिप ए ट्रिप बी की सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाती है। बाकी यहाँ पर AC वेंट जो है जिनकी थ्रो हाथ पर आती है वो अभी भी यहीं पर ही प्लेस्ड है, जो कि थोड़ी दिक्कत तो है ही बट इट्स ओके, अब क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर भी AC वेंट मिल जाते हैं जिनकी थ्रो भी अच्छी खासी है। ओवरऑल इंटीरियर डैशबोर्ड लेआउट यूज कुछ इस टाइप का रहने वाला है, ब्लैक एंड बीच फिनिशिंग के साथ ये कंप्लीट डैशबोर्ड लेआउट रहने वाला है।
एंड यहाँ पर जो फिनिशिंग है कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक में ही रहने वाली है। और इधर आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 DIN का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। इस कार के अंदर हमें 2 स्पीकर सेटअप मिलते हैं, कोई भी स्टेयरिंग माउंटेड से भी कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं है, स्टेयरिंग व्हील भी सिंपल सा ही है। एंड यहाँ पर वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कॉल कट एंड रिसीव के बटन सभी यहाँ पर ही देखने को मिल जाते हैं। यहीं इन्हीं बटन के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, सभी टाइप के कंट्रोल्स यहीं पर ही देखने को मिल जाते हैं। FM के थ्रू एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के थ्रू आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की साइड आते हैं तो आपको AC कंट्रोल्स मिल जाते हैं एंड नीचे की साइड ये आपको पावर सॉकेट भी मिल जाता है, ये 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है प्रॉपर। एंड छोटा सा स्पेस है, फोन वगैरह रख सकते हैं। एंड ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर हमें जो है गियर लीवर कुछ टाइप का देखने को मिलता है। AGS वाला है तो यहाँ पर आपको क्लच ऑफ कोर्स यहाँ पर नहीं मिलता ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, बस डेड पेडल यहाँ पर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर कप होल्डर्स वगैरह दिए हुए हैं, एक ही कप होल्डर है सिंगल। एंड दिस साइड ऑफ पैनल काफ़ी प्रीमियम लग रहा है क्योंकि वैगनआर में ऐसा कुछ आता नहीं है, बस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है तो काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्टरी भी देखने को मिल जाती है जो कि जिसका अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा है एंड कम्फर्ट भी अच्छा खासा है। एंड ऊपर की साइड ये मैनुअल में IRVM मिल जाता है कम्प्लीटली, कोई ऑटोमेटिक नहीं है, बस लैंप वगैरह मिल जाते हैं हेलोजन में। फ्रंट सीट साइड आपको टिकट होल्डर्स मिल जाते हैं एंड पैसेंजर साइड आपको मिरर भी मिल जाता है। एंड हैंडल्स वगैरह आपको सिंपल वाले दिए हैं, कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं रहने वाली जो कि काफ़ी ऑड थिंग है। बाकी रियर साइड के कंफर्ट के बारे में बात करेंगे तो पीछे की साइड आप देखेंगे तो अच्छा खासा स्पेस तो मिलता ही है। अभी अंदर बैठ के चेक करेंगे मेरी हाइट के हिसाब से। सबसे पहले इसका डोर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसिंग मिल जाती है एंड हैंडल्स वगैरह बॉटल होल्डर वगैरह प्रॉपर दिए हुए हैं, कम्प्लीटली हार्ड प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पर रहने वाला है। और अभी अंदर बैठ के इसका लेग रूम चेक करेंगे तो डिसेंट इनफ बच रहा है मेरी हाइट के हिसाब से। आगे वाली सीट मैंने पूरी अपने हिसाब से जो है पूरी पिछों को धकेली हुई है, उसके बाद भी अच्छा खासा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पर नहीं है कोई भी और व्हाइट कलर की फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं। बाकी अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट इनफ है, और ज़्यादा हो सकता था, बट यहाँ पर पीछे कम्फर्ट जो है अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी गाइस ओवरऑल कार चलाने में काफ़ी अच्छी खासी है, राइड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, स्टीयरिंग व्हील भी डिसेंट इनफ स्मूथ रहने वाला है। बस कंपनी इस कार के बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम कर ले तो सब कुछ बढ़िया है इस कार में, क्योंकि सेफ्टी के मामले में ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में इस कार ने 1 स्टार की सेफ्टी अचीव की थी। तो हम कह सकते हैं कि जब आप ये कार लेंगे तो थोड़ा सेफली चलाएं, वही ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा। बाकी ये इंडिया के अंदर मोस्ट सेलिंग कारों में से एक है, इंडिया के अंदर हर महीने सबसे ज्यादा सेल होती है ये कार, तो कार के अंदर ओवरऑल कोई भी कमी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। बाकी गाइस अभी आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि वैगनआर आपको कैसी लगती है एंड इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो कि वैगनआर का कोई सा मॉडल लेने के बारे में सोच रहा है, ये वीडियो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी कार से रिलेटेड या इस कार से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं एंड मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी गाइस ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लाता रहता हूँ तो मेक श्योर आप चैनल से कनेक्टेड रहेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।